हे भगवान, मेरे बेटे किशन को हमेशा अपने आशीर्वाद से कामयाब करना। प्रसाद दो लक्ष्मी बहन, भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारा किशन हमेशा कामयाब रहेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे यहाँ इंटर डिस्ट्रिक्ट रोलर कंपटीशन रखा गया है। इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए हर जिले के स्कूल से स्टूडेंट्स आए हुए हैं। इस मुकाबले में जीतना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि रास्ते में काफी रुकावटें और दुश्वारियों से गुजरने के बाद वही लड़का जीत सकता है जो होनहार और बहादुर है। अरे यार, किशन अभी तक नहीं आया। किशन आ गया। क्रिकेट
में हम रहेंगे नंबर वन। हाय बॉम्बे हो या मद्रास हो, दिल्ली हो या कलकत्ता हो, बॉम्बे हो या मद्रास हो, दिल्ली हो या कलकत्ता हो। लक्ष्मी मौसी, मेरे कपड़े सिल गए ना? हाँ, ये लो बेटी। माँ, हाँ? माँ, तू आ गया बेटा? सिर्फ आई नहीं गया माँ, तेरे लिए जिक्कर ये कप भी लाया हूँ। अरे शुक्र है भगवान का, आने जाने में कोई परेशानी तो नहीं हुई। मेरा मन तो बस तेरे साथ ही लगा हुआ था। सब कुछ नंबर वन था माँ, 15 स्कूलों से स्टूडेंट्स आए थे, लेकिन तेरे बेटे ने सबको पीछे छोड़ दिया। भगवान जीवन की हर रेस में तुझे इसी तरह आगे रखे। पायला गुनानी माँ। झुक झुक झुक, क्या सोचा है तुमने माँ? ठेकेदार साहब के माँ मैंने बात कर ली है, कल से इसकी नौकरी शुरू हो जाएगी। नौकरी? नहीं नहीं। नहीं तो क्या, 10वीं कक्षा पास कर ली है, नौकरी नहीं तो क्या आवारागर्दी करता फिरेगा तू? लेकिन माँ मैं आगे भी पढ़ना चाहता हूँ, हमेशा फर्स्ट आता हूँ, सब लोग कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बन सकता हूँ। अरे वाह, ऑफिसर बनने की सोच रहा है, और माँ कब तक सिलाई मशीन चलाएगी ये नहीं सोचा? नहीं माँ, मैं खुद भी किशन को और आगे पढ़ाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ ये इतना पढ़ लिख जाए, इतना बड़ा आदमी बने कि दुनिया का हर आदमी इसकी इज्जत करे, इसे सलाम करे, है ना? चलो खाना तैयार है।
इज्जत लेकर अंदर आने की हमारी आदत नहीं, क्योंकि पहली मुलाकात है इसलिए अंदर आने के लिए पूछ रहे हैं हम। आप कौन हैं? हमारा नाम गजेंद्र सिंह है, लेकिन जो हमसे रुतबे में छोटे हैं वो हमें ठेकेदार साहब कहकर पुकारते हैं। इस इलाके में जो भी नया अफसर आता है वो पहले हमारी हवेली पर आकर हाजिरी देता है। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि हम खुद तुमसे यहां मिलने आए हैं। हम तुमसे सिर्फ इतना कहने आए हैं कि जो माल तुमने पकड़ा है उसे हमारा नहीं बल्कि लावारिस माल समझो, और ये भी समझ लो कि जिस जगह और जिस चीज पर गजेंद्र सिंह के नाम की मोहर देखो वहां अपनी आंखें और कान दोनों बंद कर लो। बाकी बातें शाम को हवेली आ जाना, वहां तय कर लेंगे। एक मिनट, बहुत रुतबा दिखा चुके तुम अपना ठेकेदार गजेंद्र सिंह। मैं अपनी इस वर्दी की कसम खाकर कहता हूं कि तुम्हारी हवेली पर उसी दिन आऊंगा जिस दिन तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट मेरे हाथ में होगा। वो दिन तुम्हारी इस जिंदगी में कभी नहीं आएगा इंस्पेक्टर। एक विशेष सूचना, तमाम छानबीन के बाद साबित हुआ है कि जीप खड्डे में गिर जाने से मंगलपुर के एक इंस्पेक्टर की मौत हुई थी। वो एक दुर्घटना ही थी, इसलिए पुलिस ने उस केस की फाइल को बंद कर दिया है। सूचना समाप्त हुई। अब कमला, 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 क्या हुआ? भाग क्यों रहे हो? क्या कुत्ता पीछे लगा है? कुत्ते के पीछे क्या खाक कुत्ता लगेगा? तुम भी क्या पागलों जैसी बातें करती हो? जानती हो मैंने आज टांगे के 5 रुपए बचा लिए। 5 रुपए? वो कैसे? पुराने स्टॉप से यहाँ तक टांगे के कितने पैसे होते हैं? 5 रुपए। मैं पुराने स्टॉप से यहाँ तक भागता हुआ आया। बचाए भी तो बस टांगे के 5 रुपए। लेकिन अरे बुद्धू, जरा और तेज भाग कर आते तो ऑटो के 10 रुपए नहीं बचते। अरे हाँ, ये बात भी सच है, लेकिन क्या करूँ, मैं थोड़ा मोटा हो गया हूँ ना, इसलिए ज्यादा तेज नहीं भाग सकता। इसलिए कहती हूँ कम खाया। माँ क्या है, जब देखो मामा पकाते रहता है। माँ कुछ खाने को दे, बहुत कस के भूख लगी है। हाय ना, अभी कल रात को ही तो खाना खाया था, पर आज सुबह से कुछ नहीं खाया। राम राम जी। कौन हो भाई तुम? दौलत राम जी आप ही है ना? मैं आपके लिए गांव से अंगूर का गुच्छा लाया हूँ। ये अंगूर हैं? मीठा है। भले मानुष, ये केले हैं। क्यों मजाक करते हो? मैं मजाक कर रहा हूँ। हमारे गांव में इसी को अंगूर कहते हैं। कहते होंगे। पहले ये तो बताओ तुम कौन हो? मैं चंपक हूँ। चंपक? चंपक स्वर्गीय दौलत राम जी, नहीं, दौलत राम जी की स्वर्गीय बहन पुष्पा का बेटा चंपक। ओहो, ये तो मेरा भांजा है। अगर मैंने कहा कि मैं दौलत राम हूँ तो ये यहाँ रहने को कहेगा, और ये यहाँ रहेगा तो खर्चा पड़ेगा। मैं दौलत राम नहीं हूँ। वो यहाँ पहले रहते थे, लेकिन उनके देहांत के बाद। इसका मतलब मेरी माँ की तरह मेरे मामा भी मर गए। अरे मामा, तुझे मरना ही था तो मेरी माँ की जायदाद लेने के बाद मरते। जायदाद? अपने मामा को अपनी माँ की जायदाद देने आए हो? मरते समय माँ ने वसीयत की थी मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद मामा को दी जाए और मैं उसके पास रहूं। मैं तो कहीं भी रह सकता हूँ, लेकिन माँ की जायदाद का क्या करूँ? क्या क्या है जायदाद में, क्या है? 2 बंगले, 2 बाग। 2 बंगले और 2 बाग मेरी बहन ने मेरे नाम पे छोड़े हैं। हा हा, हा हा।
रोता क्यों है? खुश हो जा। अरे तेरा मामा भी जिंदा है। कहाँ है? अरे इधर देख, इधर देख। आ गले लग जा भांजे, मैं तेरा मामा दौलत राम हूँ, गले लग जा। ये मंगलपुर दूरदर्शन केंद्र है, आज का ताजा और चटपटा समाचार। ये समाचार सिर्फ उन नौजवान लड़कों के लिए है जिनके दिलों ने ताजा ताजा जवानी की धड़कनों को पहचानना शुरू किया है। हाय। फूलों की खुशबू जिन्हें बेचैन कर देती है। हाय हाय। हवा की सरसराहट जिनके बदन को कपकपा देती है। अरे समाचार क्या है गुरु? इस इलाके के ठेकेदार श्री गजेंद्र बाबू की कोमल, शहर में पढ़ने वाली, मॉडर्न अंदाज में जीने की कोशिश करने वाली, सुंदरता का भंडार, घमंड का आबशार यानी मिस राधा अपने कुछ शहरी सहेलियों के साथ हर साल की तरह गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए यहाँ आ रही है। अरे मारना है क्या? पीछे लो अपनी गाड़ी, पहले मेरी गाड़ी जाएगी। ये क्या शोर मचा रखा है? एक तो गलती करो, ऊपर से दादागिरी, खाने चलना है क्या? राधा है और मैं ठेकेदार गजेंद्र सिंह की इकलौती बेटी हूँ, ये बात याद रखना। नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ। बेटी अब तुम जवान हो गई हो, ऐसा बचपना तुम्हें शोभा नहीं देता। ओ माँ, मैं ठेकेदार गजेंद्र सिंह की बेटी हूँ, किसी से डरना मेरे खून में नहीं। राधा बेटी, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। डैडी। डैडी। कैसी हो बेटी? मैं अच्छी हूँ डैडी। तुम्हारी सहेलियाँ? हाँ डैडी, ये मेरे साथ ही आई हैं, छुट्टियों में यही रहेंगी। नमस्ते। नमस्ते भाई, तुम्हारी माँ तुमको कौन सा बुजदिली का सबक सिखा रही थी? नहीं डैडी, वो रास्ते में एक कार वाले से झगड़ा हो गया, मैंने उसकी कार के सारे शीशे तोड़ डाले, मुझे पुलिस की धमकी देने लगा। और जब मैंने कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ तो वो ऐसा भागा कि पूछिए ही मत। क्यों? हाँ अंकल, अगर वो रेस में होता तो जरूर जीत जाता। देखो बेटा, ये हमारा खानदानी लॉकेट है, इसे तुम अपने गले में डालकर रखो। इसके होते हुए तुम्हें किसी को अपना नाम तक बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस लॉकेट को देखते ही लोग दुम दबाकर भाग जाएंगे। लो। थैंक यू डैडी। किधर है? ये देखो बांध के रखे। ये हाथी है? गधे? ये हाथी नहीं है, ये तो बकरियां हैं। बकरियां? क्यों मजाक करते हो मामा जी, हमारे गांव में तो इन्हें हाथी कहते हैं। क्या अजीब गांव से आया है, हर चीज को उल्टा बोलता है। दो बंगले और बांगों का लालच ना होता तो साले को ऐसी जगह उल्टा कर देता। मामा भांजे। मामा भांजे, इन्हें कफन पहना कर शमशान ले जा रहे हैं। क्या कहा तुमने? हम अपने बेटे की शादी करके दुल्हन को ससुराल ले जा रहे हैं और तुम कहते हो इसे कफन पहना के शमशान ले जा रहे हैं। मारो साले को। अरे नहीं 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 नहीं, इसे इसे माफ कर दीजिए, ये गांव में नया नया आया है, इसे कुछ मालूम नहीं, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। कमाल है, मैं तो वही बात कहता हूँ जो हमारे गाँव में कही जाती है, पता नहीं ये गलत क्यों समझ लेते हैं। चलो मामा जी, इन मुर्दों से बात मत करो। सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ जो मैं वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज किशन, माय नेम इज किशन। सुनो सुनो, अरे भाई ठहरो, ये वो जगह है जहाँ खूबसूरत लड़कियाँ आकर नहाती हैं। जिस जगह लड़कियाँ नहाती हैं
उस जगह की खुशबू ही निराली है। क्यों ना हम लोग भी यहाँ नहाए? एक शर्त है। वो क्या? हम सब पानी में डुबकी लगाएंगे, जो पानी से पहले निकला वो सबको पिक्चर दिखाएगा। हाँ। मैं कैसे दिखाऊंगा, मेरा कंजूस मेरी तरफ से मैं दिखा दूंगा। बोलो मंजूर है? मंजूर। चलो कपड़े उतारो। अभी पिछले महीने तो नहाया हूँ, अभी नहीं नहीं नहीं। ठीक है। हाँ। तो बाहर रहकर तुम हम सबके कपड़े संभालना। हाँ? ये ले। रेडी, वन टू थ्री। और कौन सी फिल्म देखी? जवानी दीवानी यार। हाँ, हाँ, बहुत। और वो देखा था? वो देखा था। और उसे पता है चूपे कितना मजा आया था? ये जगह महफूज नजर आती है। और कोई यहाँ है भी नहीं। चलो हम नहाते हैं। हाँ चलो चलो। राधा के यहाँ तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक भी लड़का स्मार्ट नजर नहीं आया। आउच! क्या हुआ? लगता है कुछ काट रहा है। मछली होगी। आउच! मछली चाट रही होगी। कौन है तुम लोग? हम समुंदर के सीप हैं, सुंदरता की बरसात की बूंद लेने आए हैं ताकि उसे अनमोल मोती बना दे। बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। तुम जानते हो हम कौन हैं? कौन हो तुम? हम ठेकेदार साहब की बेटी राधा की सहेलियाँ हैं। ओहो, तो आप उनकी चमचियाँ हैं? चमचियाँ हैं। ये क्या हो रहा है इधर? अच्छा हुआ तू आ गई राधा, ये लड़के हमें कब से तंग कर रहे हैं। तुम क्या अपने आपको हीरो समझते हो? जानते नहीं मैं कौन हूँ? अपने गले में पड़े हुए इस लॉकेट को निकाल दो तो भी मैं पहचान लूंगा कि तुम राधा हो। वैसे तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मेरा नाम किशन है। अब चलो साथ में मिलकर गाते हैं। हाय। क्या करते हो इडियट कहेंगे? चाहे कितना भी डांटिए, कितना भी गुस्सा कीजिए, चाहे कितना भी डांटिए, कितना भी गुस्सा कीजिए। मैडम हमको बस अपनी सेवा का मौका दीजिए। मैडम दीजिए ना, चाहे कितना भी डांटिए, कितना भी गुस्सा कीजिए। मैडम हमको बस अपनी सेवा का मौका दीजिए। यू गेट लॉस्ट। थैंक यू वेरी मच। चाहे कितना भी डांटिए, कितना भी गुस्सा कीजिए। हम दोनों की जोड़ी है फिट, घर पे बात चलाइए, घर पे बात चलाइए। या अपने घर ले चलिए, या मेरे घर आ जाइए, या मेरे घर आ जाइए। हम दोनों की जोड़ी है फिट, घर पे बात चलाइए, या अपने घर ले चलिए, या मेरे घर आ जाइए। What nonsense! वो अच्छा कुछ मत कीजिए, बस एक पप्पी दीजिए। अच्छा कुछ मत कीजिए, बस एक पप्पी दीजिए। मैडम हमको बस अपनी सेवा का मौका दीजिए। बदतमीज़ लुच्चे लफंगे। दीजिए ना मैडम, कितना भी डांटिए,
इतना भी गुस्सा कीजिए। सेवा का मौका दीजिए। शादी और तुमसे आवारा? सच में चाहे कितना भी डांटिए, कितना भी गुस्सा कीजिए, चाहे कितना भी डांटिए, कितना भी गुस्सा कीजिए। अरे यार, उसने तुझे थप्पड़ मारा और तू खामोश रहा? उसने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, वो तो मेरे गालों को सहलाना चाहती थी। फिर भी उसे अपने पैरों में ना झुकाया तो मेरा नाम भी किशन नहीं। That's it. चलो मामा, ये नाला कहाँ तक जाता है? नाला? ये नाला? अरे ये नाला नहीं गधे, ये तो समंदर है। क्यों मजाक करते हो मामा जी, हमारे गांव में तो इसी को ही नाला कहते हैं। फिर कभी मैं तुझे ऐसी जगह पे नहीं ले जाऊंगा। एक दिन तू मुझे पागल बना देगा। मामा गधा। मामा मैं क्या पागल बनूंगा, आप तो पहले से मामा। ए मोटे, इतना गंभीर होकर क्या सोच रहा है? मैं सोच रहा हूँ यार कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम में नकल किस तरह करूंगा। अबे अभी तो पढ़ाई चालू भी नहीं हुई, तू एग्जाम की सोचने लगा? मेरा कंजूस बाप कहता है हर चीज में कंजूसी करो, लेकिन सोचने में कंजूसी कभी मत करो। किशन! ए, ए, किशन! क्या हुआ बे? अमेरिका का कोई बॉम्ब अपने वहां गिर गया क्या? अरे नहीं यार, वो है ना वो, अरे तेरी हीरोइन राधा अकेली गई है मंदिर की तरफ। मंदिर की तरफ? ये क्या, यहाँ पे तो कोई पुजारी नहीं है। ऐसा मत कहो बालिका, हम यहाँ हैं, हम छोटे पुजारी हैं। ओह, तुम्हारे गले का लॉकेट बता रहा है कि तुम ठेकेदार गजेंद्र बाबू की बेटी हो। इस मंदिर के वे ट्रस्टी हैं, उनकी कृपा से ही हमारा वंश इस मंदिर का पुजारी बना हुआ है। बड़ी कृपा है उनकी हम लोगों पर। हमारे चरण छूकर पहले अपने आप को पवित्र कर लो, फिर हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे। चरण छुओ बालिका। अब हाथ जोड़कर मन में हमारी आकृति को बिठाकर भगवान से प्रार्थना करो।
ओम सनसम जीवम सुंदरम नमा ओम राजकपूरम नमा ओम साजन नमा ओम सलमान खान नमा ओम काम सिंहावतक नमा ओम आमिर खान नमा ओम दिल नमा ओम माधुरी नमा मैंने प्यार किया नमा। उठो बालिके। ओ तुम कितनी सुंदर हो, कितनी ब्यूटीफुल हो, तुम्हारे सेब जैसे गाल, झील जैसी आंखें। ओह तुम लॉटरी टिकट हो, बम्पर टिकट हो। ओह तुम जैसी अप्सरा ने जिस घर में जन्म लिया वो घर पवित्र हो गया। कौन हो तुम? मैं छोटा पुजारी, ये गजेंद्र बाबू की बेटी है। अब पूजा मैंने कर दी है, दक्षिणा आप ले लीजिए। तुम लोगों को एक लड़के के हाथ पैर तोड़ना है। किसके?
देखो मेम साहब, हंसना खेलना, एक दूसरे को छेड़ना हम स्टूडेंट्स की आदत होती है, लेकिन इस तरह गुंडों के जरिए मारपीट करवाना तुम्हारे शहर में चलता होगा, यहाँ नहीं। दोबारा तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हें इस जगह से उठा के नीचे फेंक दूंगा, समझी? भांजे, मैंने तुम्हें पहनने के लिए कपड़े दिलाए, घड़ी दिलाई, अंगूठी दिलाई, कितने सुंदर लगते हो तुम। हंस रहा है। अब मुझे मेरी स्वर्गवासी बहन की वसीयत दे दो। मैं वसीयत नहीं दे सकता मामा जी। क्यों? उसके लिए मुझे नौकरी दिलानी पड़ेगी। ये नई शर्त बीच में कहाँ से आ गई? ये शर्त नहीं मामा जी, तो मेरी स्वर्गवासी माँ की इच्छा थी। अच्छा। मरते समय उन्होंने कहा था, जब तक मामा जी तुझे नौकरी नहीं दिलाएंगे तब तक तू वसीयत नहीं देना। मामी मुझे आग दो ना। आग? इसके गांव में चावल को आग कहते हैं। ये कैसा गांव है जी, क्या हर एक चीज उल्टी बोली जाती है। शुक्रिया मामी जी। मामी मुझे एटम बम दो ना। एटम बम? एटम बम, एटम बम। मामी, मामा ने मुझे एक ही एटम बम दिया, मुझे चार एटम बम चाहिए। ये एटम बम है? पहले तो हम इसे पटाखा कहते थे, ये नया नाम है एटम बम। आप लोग आज वापस जाएंगे? तुमने कहा था कि हम यहाँ एक हफ्ता रहेंगे और वापस लौट जाएंगे, लेकिन तुम तो हमारे साथ नहीं जा रही हो और हम इस जगह से बेसार हो चुके हैं। लगता है तुम किसी के प्यार में गिरफ्तार हो चुकी हो, तभी हमारे साथ आना नहीं चाहती। डोंट बी सिली, मैं कभी किसी के प्यार के चक्कर में नहीं आ सकती। मुझे तो यहाँ किसी से अपनी बेइज्जती का बदला लेना है। सलाम। देखो ये एक अच्छा स्कूल है। सलाम। बहुत बड़ा स्कूल है। सलाम। ठीक तरह से नौकरी करो, बहुत पैसा मिलेगा। सलाम। ये गधे क्या कर रहे हैं? ये क्या करना है, चल। सलाम हेडमास्टर जी। ये हेडमास्टर नहीं है, क्या है? ये चपरासी है। क्यों मजाक करते हो मामा जी? हमारे गांव में तो इसी को ही हेडमास्टर जी कहते हैं। अरे तेरे गांव की तो। ठीक है चल, हेडमास्टर जी है ना अंदर? हाँ है साहब, आइए चल। हमारे मामा जी को माफ कर देना, उन्हें मालूम नहीं किसको क्या कहते हैं। दौलत राम आओ। नमस्ते। नमस्ते। सलाम चपरासी जी। चपरासी ये तो हेडमास्टर जी हैं। क्यों मजाक करते हो मामा जी? हमारे गांव में तो ऐसे कुर्सी पे बैठने वाले को ही चपरासी कहते हैं। दौलत राम ये पागल है क्या? नहीं नहीं, इसे यहाँ क्यों लाया हो? नहीं नहीं, आपके यहाँ अगर नौकरी मिल जाए तो नौकरी और इसे ये खुद पहले से उल्टा है, ये सारे स्कूल को उल्टा कर देगा। ले जाओ, ले जाओ इसे यहाँ से। नहीं नहीं, नाराज मत होइए, हम चलते हैं, हम चलते हैं। चलो भांजे, तेरे गांव की भाषा पे मुझे तो एक शब्द कुछ निकालनी पड़ेगी ताकि बाकी लोग तेरी ये भाषा समझ सके। चल जाओ। आप रूम में बैठ के फुटबॉल खेलते हैं? तुम चाहते हो या नमस्ते भाई और बहनों। ये कौन लल्लू आया है, सब लड़कियों को बहन बना लिया। तुम्हारा ना, ना, ना। तुम मत बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? लल्लू लाल। नाम से लल्लू है। तो लल्लू लाल, क्योंकि तुम नए नए आए हो इसलिए इस साल स्कूल में खिंचाई की शुरुआत तुम्हारे जरिए की जाएगी। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। क्या है, तुम नमस्ते बहुत अच्छा करते हो, अभी जब क्लास टीचर आएगा सब लोग उन्हें नमस्ते करेंगे। मतलब कि तुम्हारा नमस्ते बंद नहीं होना चाहिए, वरना तुम कभी बैठ नहीं सकोगे। क्यों? क्योंकि जब तुम बैठोगे तब ये पिन है ना, पिन पीछे घुसेगा। कहाँ घुसेगा? पीछे घुसेगा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। नमस्ते जी। नमस्ते, बैठ जाओ। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, बैठ जाओ। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, बैठ जाओ। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते जी। अबे नमस्ते। नमस्ते जी। अरे भाई नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते बे। नमस्ते जी। अबे नमस्ते बे। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। अरे क्या यार। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मास्टर जी। नमस्ते मास्टर जी। धन्य भाग्य धन्य भाग्य, इतने बड़े ठेकेदार साहब की लड़की हमारे स्कूल में। पधारिए पधारिए। मेरा नाम राधा है, मैं इस क्लास में पढ़ना चाहती हूँ।
आपको कोई एतराज? एतराज मुझको? नहीं नहीं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मगर इसी क्लास में पढ़ना चाहती हैं? जी हाँ। अच्छा है, पढ़िए पढ़िए। आइए राधा जी, आप यहाँ बैठिए। हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। गर्ल्स, तुम में से आज नहाकर कौन आया है? जी मैं सर। ओ, खुशबू भी आ रही है, वेरी गुड। राधा जी आप यहाँ बैठिए, आइए आइए, हट जाओ जाओ जाओ, आइए आइए। देखो कितने सुअर आ रहे हैं। क्या सुअर बोला? अरे भांजे भूल करता है तू, ये तो अपने पंचायत के सरपंच है। हाँ, यानी के पंचायती सुअर। हे सुअर बोला? रुक जाइए भगवान के लिए रुक जाइए, ये हमेशा उल्टा बोलता है, मैंने पहले भी कहा था आपसे। हमारे गांव में तो ऐसे पगड़ी पहनने वाले को ही सुअर कहते हैं। मैंने गलत तो नहीं कहा ना मामा जी? तुमने कुछ गलत नहीं कहा भांजे, इनकी गलती है जो पगड़ी पहन के आए हैं सुअर। चल, आज मैं बहुत कठिन विषय ऐसे साधारण शब्दों में समझाऊंगा कि आप में से बुद्धू से बुद्धू विद्यार्थी को भी आसानी से समझ में आ जाएगा। आज मैं आपको बदन के अलग अलग हिस्सों के बारे में बताता हूं। आमतौर पे आदमी के दो हाथ होते हैं, एक बायां हाथ एक दायां हाथ, और ये ठेकेदार साहब के हाथ। आइए आइए बैठिए 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 बैठिए। आप लोगों को जरा सा भी शक हो कि कौन सा हाथ कहां पर है, ये जानने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। बहुत ही आसान तरीका है, मगर बाहर जाकर किसी को बताना नहीं। देखो बच्चों, बदन के दाएं तरफ जो हाथ होता है इसको हम दायां हाथ कहते हैं, ये, और बदन के बाएं तरफ जो हाथ होता है उसको हम बायां हाथ कहते हैं। जब ये बायां और दायां हाथ मिल जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? नमस्ते जी। घनश्याम जी, जी ऑफिस में आपके लिए फोन आया है, ले लो। हेडमास्टर जी, ये चपरासी का काम आप क्यों कर रहे हैं? मैंने सोचा कम से कम ये काम तो ठीक से कर लूं। अच्छा अच्छा अच्छा। कौन सा क्लास ले रहे हैं? ये बदन के अलग अलग हिस्सों का, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यस ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूं, आप फोन लेकर आइए। फोन। अच्छा बच्चों, जैसे कि आपको सर ने बताया बदन के दो हिस्से होते हैं, उसी बात को मैं और सिंपल करके समझाता हूँ। सर, प्यार के बारे में आपके क्या विचार है? प्यार जैसे कि छोटे से पौधे पे लगा हुआ एक प्यारा सा फूल, उस फूल को अलग कर दो तो वो मुरझा जाएगा, मर जाएगा, मगर ये पौधा जिंदा ही जिंदा रहेगा, और इसे कहते हैं प्यार। एक तरफा प्यार के बारे में आपकी क्या राय है सर? एक तरफा प्यार समझो कुत्ते की दुम, कुत्ता दुम हिला सकता है लेकिन तुम कुत्ते को नहीं हिला सकती, इसे कहते हैं एक तरफा प्यार। वाह वाह, क्या बात है! सिर्फ क्या बात है नहीं, जो बात आपको अभी समझाई गई है उसके ऊपर आप लोगों ने एक निबंध लिखना है। तुमने मुझे यहाँ अकेले में क्यों बुलाया? एक लड़की किसी लड़के को अकेले में क्यों बुलाती है, तुम इतना भी नहीं जानते? हाँ जानता तो हूँ, लेकिन तुम्हारे मुझसे सुनना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू। ए राधा रुको ना। पगली, प्यार करने वाले इस तरह दूर नहीं भागते। फिर? करीब आया करते हैं। अच्छा? हाँ हाँ,
ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, सजा है मिस्टर रोमियो। उस दिन तुमने मुझे पहाड़ से फेंकने की धमकी दी थी ना, आज मैं तुम्हें इस दलदल में धकेल के जा रही हूँ। गुड बाय। अरे अरे सुनो, रुको सुनो, रुको, अब मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, 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 कल मैंने तेरे हीरो को जीरो बना दिया। कौन हीरो? अरे वही किशन, मुझसे रोमांस करने आया था, ऐसा धक्का मारा कि सीधा दलदल में जा गिरा, अब तक कीचड़ धोरा होगा। अरे इन्हें क्या हुआ? क्या हुआ? तुम लोगों ने काला कपड़ा क्यों बांधा हुआ है? कोई मर गया क्या? हाँ, हमारा दोस्त किशन पता नहीं कैसे दलदल में गिरा और बेचारा मर गया। ओह नो, उसकी लाश लेबोरेटरी में रखी हुई है। सादगी की वो मूरत मेरे दिल में समाया कर, बनके एक सादगी की वो मूरत मेरे दिल में समाया कर। ब्यूटी पार्लर में जा जाके, ब्यूटी पार्लर में जा जाके, वक्त यूं ही न जाया कर। ओ हसीना नाज़नीना, ओ हसीना मुझको बनाए, तरा 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 तरा, तेरे बदन की धीमी सी खुशबू वैसे ही मधुश मुझको बनाए। फिर तू दीवानी क्या सोच करके ये महंगा महंगा इत्र लगाए। जैसा चाहूं मैं वैसे ही बनकर तुम मुझको रिझाया करो, जैसा चाहूं मैं वैसे ही बनकर तुम मुझको रिझाया करो। ब्यूटी पार्लर में
आशीर्वाद दे रहा है। क्यों झूठ बोलते हो पुजारी जी, हमारे गांव में तो इसी को ही प्यार कहते हैं। रोना नहीं, इस गांव में सब रोते हैं। पागल है। ए, आओ ना। नहीं, कोई आ जाएगा। इधर कौन आएगा? मैंने कहा ना नहीं। ओफो, आ जाओ ना। आप लोग पूजा कर रहे थे? हाँ। हाँ, तो चालू रखो चालू रखो। रुक क्यों गए? चालू रखो, पूजा करना अच्छा है। पूजा करना इस उम्र में बहुत। अरे, ये वापस क्यों आ रहा है? आप लोग का कितने घंटे से पूजा कर रहे थे? एक घंटे से। एक घंटे से? अरे बाप रे, इतनी बड़ी पूजा! वाह वाह वाह, 10 मिनट पूजा करने का मुझे भी मौका दो ना। गायब हो गए? कहाँ गए? हाँ, चुपके से पूजा करने गए होगे। इस गांव में पूजा बहुत करते हैं। ये लो। क्यों लक्ष्मी मौसी, हो गए हमारे कपड़े तैयार? हाँ लो। और हाँ, आज हमारे वहाँ करवा चौथ का व्रत तोड़ा जाएगा। और भी औरतें आ रही हैं, तुम भी आ जाना। अरे, लक्ष्मी को वहाँ क्यों बुला रही हो? क्यों? करवा चौथ का व्रत होता है पतिव्रता सुहागनों के लिए, लेकिन लक्ष्मी को तो अपने पति का नाम तक नहीं मालूम। और फिर इतने पवित्र त्योहार पर ऐसी औरतों को। बकवास बंद करो, चली जाओ यहाँ से। किशन, तुम्हारे बारे में लोग इस तरह की गंदी बातें करेंगे तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? गर्दन झुका के तुम हमेशा इस सवाल को टाल देती हो, मेरे बाप का नाम क्यों नहीं बताती? बोलो माँ, बोलो। जो बात मैं अपनी जुबान से कहना नहीं चाहती, उसके बारे में पूछकर मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़क किशन। दीदी आप? नमस्ते आंटी जी। खुश रहो बेटे। आइए ना दीदी, मेरे कपड़े तैयार हो गए लक्ष्मी। हाँ दीदी, मैं कपड़े लेकर कल आपके घर भी गई थी, मगर पता चला आप शहर गई हुई हैं। हाँ, वो शर्मा जी के बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई थी ना, इसीलिए उसे ले जाना पड़ा। आपको देखकर तो हम औरतों की हिम्मत और बढ़ जाती है। इस बस्ती के हर इंसान का दुख आप बांटती रहती हैं। अकेली रहती हूँ ना, इसलिए सबको अपना बनाए रखती हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। अबे सुन, इस घर में मेरा हक है। इस घर में मेरा हक है। नहीं, मेरा हक है। तेरे बाप का है? हाँ, मेरे बाप का घर है। क्या हो रहा है? मैं जानती हूँ ये झगड़ा इस घर के लिए है जो तुम्हारी माँ के नाम पर है। इसी तरह लड़ते रहोगे तो तुम्हारी माँ की आत्मा कितनी बेचैन होगी। दीदी, गलती मेरी नहीं, ना मैंने कुछ कहा था। गलती किसकी है ये मैं नहीं जानना चाहती। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि आपस में तुम दोनों झगड़ा ना करो। हमारी बात उन्होंने नहीं मानी, मगर उस औरत की बात सुनकर उन्होंने झगड़ना बंद कर दिया। कौन है वो औरत? वो ठेकेदार गजेंद्र सिंह की रखेल है। रखेल, नाम उसका है पार्वती। माँ, माँ, क्या बात है बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब ठीक तो है? माँ, पार्वती नाम की औरत से डैडी का क्या संबंध है? क्या वो डैडी की रखेल है? बोलो माँ, जवाब दो माँ, जवाब दो माँ। बोलती क्यों नहीं भाई, तुम्हारी बेटी तुमसे कुछ पूछ रही है, जवाब दो। मेरी जान से भी प्यारी बेटी, मेरी बात को जरा ठीक तरह से सुनो। छोटी जगहों में रहने की यही एक खराबी होती है, वहां जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनका तो सबसे ही मिलना जुलना रहता है, और उनकी किसी भी बात को लेकर लोग बदनामियां खड़ी कर देते हैं। वो कहावत है ना, मारने वाले का हाथ पकड़ा जा सकता है, बोलने वाले की जुबान बंद नहीं की जा सकती। देखो बेटे, मैं इन चीजों पर जरा भी ध्यान नहीं देता हूं। तुम भी ये कोशिश करो कि इन बातों पर जरा भी यकीन मत करो। ओह डैडी, मुझे विश्वास था
ये कभी सच नहीं हो सकता। जाओ जाके पढ़ो। तुम्हारी ये खामोशी साफ जाहिर कर रही है कि राधा जो कह रही है वो सच है। इस बात का ख्याल रहे कि समाज में मेरा भी कोई वकार है, मेरी भी कोई इज्जत है। कमला रानी क्या है? चलो ना। नहीं पलंग पर बैठेंगे। नहीं चलो ना। नहीं चल यहाँ बैठकर एक सिगरेट पीते हैं। अरे पलंग टूटा हुआ है मत बैठो। एजी ओ जी वो क्या हमें देख रहा है? ऐसा लगता है बैठो जी बैठो। मैं यहाँ बैठूंगा। मैं बैठूंगा। देख मैं यहाँ बैठूंगा। मैं बैठने नहीं दूंगा। इस उम्र में बहुत प्यार करते हो तुम। पता नहीं साला कहाँ से चिल्ला रहा है, सारा मूड चौपट कर दिया। मामा मामा चुप है, मैं अभी आया। मामा दरवाजा खोलो ना। मामा 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 मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा जहर दो ना। इसे थोड़ा टिक 20 दे दो पीने के लिए, सारा मरी जाए तो अच्छा है। अरे दे दे दे, ऐसा मत कहो जी। जा जा मेरे बच्चे, जितना भी जहर चाहिए ना अंदर जाके पी ले। कितनी मामी अच्छी है। हाँ। मामा बहुत बुरा है। हाँ। ऐसे ऐसे मेरे ही गले पड़ गए। दो बंगले दो बंगले दो बाग दो बाग, बागों में बहार है। हाय। हाँ। अरे राधा क्या बात है, आज तू बड़ी चुप चुप है। मैं बहुत परेशान हूँ यार, मेरे गले का लॉकेट पता नहीं कहाँ गिर गया। वो हमारे खानदान की निशानी है, डैडी ने अपने गले से उतार कर मेरे गले में डाल दिया था। राधा जी क्या ये आपके लिए है? तुम्हारा लॉकेट पोस्ट ऑफिस के पोस्ट बॉक्स में रखा है, जाकर ले लो। 11 बजे पोस्टमैन बॉक्स खोलने आएगा, अगर तुम नहीं गई तो पोस्टमैन उसे ले जाएगा। तुम्हारा अपना किशन। फूलों से ज्यादा प्यारी राधा, ये खत तुम्हारे किशन की तरफ से है। ये लॉकेट जो तुम्हारे खानदान की निशानी है, हम दोनों के बीच दूरी पैदा कर रहा था। मैंने उसे रात भर अपने सीने के करीब रख के उस दूरी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तुम्हें अपनी जबान से मेरे प्यार का इकरार करने की जरूरत नहीं, मैं यहीं तुम्हारी बाईं तरफ खड़ा हूं। तुम्हारे होठों की हल्की सी मुस्कुराहट ये बता रही है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। हमेशा तुम्हारा किशन। तुमने मेरी बहुत बेइज्जती की है, अब मैं भी तुम्हारी ऐसी बेइज्जती करूंगा और वो भी 24 घंटे के अंदर, जिसको तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी। माँ, मालकिंदो साहब के साथ मिनिस्टर साहब के घर खाने पर गई हैं। रामू हरिया श्यामू जल्दी आओ ऊपर। सब नौकरों से कह दो घर की चारों तरफ से निगरानी करें और कोई भी बाहर का आदमी घर के अंदर नहीं आना चाहिए, समझे? छोटी मालकिन है जी? वो तो है लेकिन आप उनसे नहीं मिल सकते।
लेकिन मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मैं उनके कपड़े सी कर लाया हूँ। अगर मैंने ये कपड़े उनको आज नहीं दिए तो वो बहुत नाराज हो जाएंगी और मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम लोगों ने मुझे उनसे मिलने नहीं दिया और तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। अच्छा मैं जाता हूँ। नहीं नहीं आप रुकिए, मैं आपके आने की खबर छोटी मार्केट को जाके देता हूँ। छोटी मालकिन क्या है? आपसे कोई मिलने आया है। मैंने पहले ही कह रखा है यहाँ कोई नहीं आएगा। पर वो आपके कपड़े सीकर लाया है। अच्छा अच्छा वो हमारा टेलर होगा, बुलाओ उसे। जाइए आप अंदर, आपको छोटी मालकिन बुला रही है। हाँ। आदाब बजा लाता हूँ मेम साहब। कौन हो तुम? टेलर वाहिद कहाँ है? जी वो थोड़े बीमार हैं, मैं उनका कटर हूँ। नाप वो लेते हैं, काटता मैं हूँ। मेरा नाम है आशिक। मेरा ड्रेस लाए? जी बिल्कुल लाया हूँ, और खुद इसलिए खास आया हूँ कि आपको इस ड्रेस में सजा हुआ देख सकूँ। मतलब? पहली बार आपका ड्रेस ये है ना, कहीं कोई सिलाई कहीं कोई टांका लगाना पड़ जाए। क्या है कि अब आप यहीं रहेंगी और कपड़े भी हमसे सिलाएंगी, इसलिए फिटिंग परफेक्ट होनी चाहिए ना। जरा ड्रेस पहनकर दिखा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे हाय तुम। अमीरी के होठों पे दिया हुआ ये गरीबी का चुम्मा तुम्हें सारी जिंदगी तड़पाता रहेगा। अमीरी के होठों पे दिया हुआ ये गरीबी का चुम्मा तुम्हें सारी जिंदगी तड़पाता रहेगा। हेलो पुलिस स्टेशन। पकड़ लो इन सब मावली लड़कों को। मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। ना गुंडागर्दी करता है, लड़कियों को छेड़ता है, मैंने कुछ नहीं किया। क्या बनता है? लक्ष्मी मौसी किशन को पुलिस ने पकड़ लिया है। क्या? बाप का नाम वाहिद। बैठ जाओ उधर। नेक्स्ट नाम बताओ। कन्हैया। बाप का नाम दौलत राम। बैठ जाओ उधर। नेक्स्ट क्या नाम है तुम्हारा? किशन। बाप का नाम? आपका नाम बताओ। मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? हरामजादे झूठ बोलता है पुलिस से। मैं सच कुछ नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी बात सुनो, छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे। ये सचमुच अपने बाप का नाम नहीं जानता। जब मैं अपने पति का नाम नहीं जानती तो ये अपने बाप का नाम कैसे जानेगा? छोड़ दो इसे। इंस्पेक्टर आप? जी हाँ, मैं इन लड़कों की जमानत देने आई हूँ। माँ, क्या है बेटा? मैं पढ़ लिख के सीख समझ के इस दुनिया की हर बात को जान सकता हूँ, लेकिन जब तक तुम न बताओ मैं ये नहीं जान सकता कि मेरा बाप कौन है। बोलो ना माँ, कौन है मेरा बाप? तूने हमेशा मेरे इस सवाल को टाल दिया माँ, लेकिन आज आज ये सवाल मैं नहीं कर रहा हूँ माँ, लोग कर रहे हैं। मेरा बाप कौन है माँ? मेरे बाप का नाम क्या है माँ? बोलो माँ, बोलो। माँ, माँ, मेरा बेटा मुझसे अपने बाप का नाम पूछ रहा है। मैं इसे क्या बताऊं? क्या मैं इसे ये बताऊं कि शादी से पहले एक आदमी ने मुझे मां बना दिया और खुद न जाने इस दुनिया की भीड़ में कहां खो गया। जिसका इंतजार करते हुए मैंने इसे 9 महीने अपने पेट में रखा, और जब मैं इसे गोद में लेकर इसके बाप को ढूंढने निकली तो मुझे रखेल बना के रखने वाले तो बहुत थे, मगर इसको रखने वाला कोई नहीं था माँ, कोई नहीं था।
और जब ये बदनसीब माँ इस बच्चे को लेकर आत्महत्या करने निकली तो तुमने मुझे बचा है ना। उस दिन से तुम मेरी माँ बन गई। क्या क्या मैं ये बताऊ इसे सब? माँ मैं जिंदा हूं इसलिए लोग मेरे बेटे को नाजायज कहते हैं, और अगर मैं मर जाऊं तो लोग इसे सिर्फ यतीम ही कहेंगे ना। तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि मैं मर जाऊं? बोलो ना माँ, मैं मर जाऊं? बोलो। बेटी, भारतीय नारी अपने पति का नाम जुबान पे नहीं लाती तो धर्म की देवी कहलाती है, लेकिन जब बेटा बाप का नाम ना बता सके तो माँ ही कलंकिनी कहलाती है। बेटी, ये दुनिया एक शतरंज के खेल की तरह है, हम तो सिर्फ उसके मोहरे हैं, और मोहरे अपनी मर्जी से नहीं चला करते, उन्हें चलाने वाला तो सिर्फ भगवान ही है, और शायद भगवान की यही मर्जी थी, इसलिए मैंने तुझे बचाया ताकि तू अपने बेटे के लिए जी सके, और तुझे अपने बेटे के लिए जीना ही पड़ेगा। राधा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? मैं पूछने आई हूँ तुमने ऐसी गिरी हुई हरकत क्यों की? तुम्हें शहर भेजा गया था एक अच्छी तालीम हासिल करने के लिए, क्या यही सीख कर आई हो तुम वहां से? तुम्हारी शिकायत पर उस बेचारे किशन को पुलिस वालों ने कितना मारा, वो एक नाजायज औलाद है, उसे उसके बाप का नाम नहीं मालूम ये कहकर उसकी बेइज्जती की गई, ये सब करके तुम्हें क्या मिला? तुम जो मेरे डैडी के रखेल के नाम से पुकारी जाती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल पूछने की? राधा, छोड़ दो मुझे माँ, मैं ऐसी औरत का मुंह नोच लूंगी। दीदी, राधा, तुम जानना चाहती हो वो देवी कौन है? मैं इस घर की नौकरानी थी, फिर भी दीदी ने हमेशा मुझे अपनी बहन की तरह रखा। अरे शारदा, ये देख तो कैसी है। किसके लिए है दीदी? अरे पगली, अब तो तू बड़ी हो गई है, शादी वादी करनी है या नहीं? मेरे लिए इसमें बुरा ही क्या है? तुम तो 10 साल तक मुझे कोई औलाद दे ना सकी, और मुझे अपना वंश चलाने के लिए वारिस तो चाहिए ही था। वारिस हासिल करने के और भी जायज तरीके हैं। आपने जो किया वो पाप है, और मैं इस पाप की हिस्सेदार नहीं बनना चाहती। आज के बाद ये इस घर में रहेगी जिस तरह आपके बच्चे की माँ को रहना चाहिए, और मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद का वारिस वो बच्चा होगा जो शारदा की कोख से जन्म लेगा। और तब से पार्वती दीदी अलग रहने लगी। जो लोग ये बात जानते हैं वो पार्वती दीदी को देवी मानते हैं, लेकिन जिन्हें ये पुरानी कहानी मालूम नहीं वो उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन पार्वती दीदी ने कभी किसी बात की सफाई नहीं दी। बेटी, क्योंकि वो छोटे घर में रहती है इसलिए वो रखेल नहीं, और मैं उनकी पत्नी इसलिए नहीं क्योंकि मैं इस घर में रहती हूं। राधा, रखेल दरअसल मैं हूं, तुम्हारी माँ, हमारी माँ, तुम्हारी माँ। हाँ जी, बड़े बड़े करते हैं लोग, इसमें क्या? नमस्ते। हाँ? नो नमस्ते, साला क्या जमाना आ गया, मैं भी अपने जमाने में टीचर्स के थे। अरे क्या नमस्ते ना? नहीं नहीं, नागराज मुझसे पेंसिल मांग रहा है, मैं दे दूं सर? अबे ये कोई इंटरनेशनल प्रॉब्लम है जिसका हल निकाल दूं। गेट आउट। ना ना ना, नमस्ते जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। अरे अरे तू, अरे जा यहां से। नमस्ते। अरे नहीं नहीं नहीं, नमस्ते कोई बिना नमस्ते के मारता, कोई नमस्ते करके मारता। Thank you.
सबका आधार बनी, खुद आधार नहीं पाया। प्यार सिखाया है जिसने, उसके हिस्से प्यार नहीं। जीवन देने वाली को जीने का अधिकार नहीं। ये जालिम दुनिया पत्थर की नगरी, ये जालिम दुनिया पत्थर की नगरी। ओ मायरी, ओ मायरी, सागर में नैया है जैसे, इस जग में अरे नहीं नहीं, इधर नहीं, यहाँ आजू बाजू में लोग रहते हैं, अगर किसी ने तेरा गाना सुन लिया तो लोग समझेंगे कि कहीं आग लग गई है और फायर ब्रिगेड जा रहा है। मुझे गाना गाना है। अगर तुझे गाना ही गाना है तो मेरे कान में गा, गा। मामा, मामा, वो बच्चा देख कितने प्यार से गाना गा रहा है। ये गाना गा रहा है। हाँ। इसे तू गाना गाना कहता है? हाँ। तू ऐसे गाना गाना चाहता था? हाँ, ला कान ला इधर। चल उधर जाके गा। हाँ। उस लड़के के बाजू में खड़ा रह के गा। चल। अब आया मामा। अच्छा हुआ मैंने कान बंद कर लिया, कहीं मैं बहरा हो जाता तो। माँ माँ मुझे इस नाम से पुकारो माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। आज मुझे एहसास हुआ कि मैं पांच नहीं हूं, मेरी भी एक बेटी है। माँ क्या मैं एक रखेल की बेटी हूं? ये जानकर तुझे कितना दुख हो रहा है कि तू एक रखेल की बेटी है। जरा सोच, जब पुलिस ने किशन से कहा कि वो एक नाजायज औलाद है तो उसे कितना दुख हुआ होगा। दादा भूल जा के तू गजेंद्र सिंह की बेटी है, और जा जाके किशन से माफी मांग ले। जा बेटी। अच्छा सब तैयारी ठीक हो रही है? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल।
किशन, तुम्हें हेडमास्टर साहब ने बुलाया है। आओ किशन, आओ। तुमने उस मासूम लड़की को भरी सभा में सबके सामने खुद को किस करने के लिए बेताब होने पर मजबूर कर दिया। बस इसी जुर्म में मैं तुम्हें स्कूल से निकाल रहा हूँ, ताकि दूसरा कोई लड़का ऐसी हरकत करने की जरूरत न करे। सर ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज मेरे साथ जुल्म मत कीजिए सर। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम्हारा भविष्य ये स्कूल नहीं किसी मैकेनिक का गैरेज है। गेट आउट। किसने किशन को स्कूल से निकाला है? मैंने जो कुछ भी किया ठीक किया राधा बेटी। क्या ठीक किया आपने? गलती मैंने की और सजा किशन को दी आपने, ये इंसाफ है आपका? आपको मुझे स्कूल से निकाल देना चाहिए था। बेटी तुम अपने डैडी के गुस्से को नहीं जानती, ज्यादा जज्बाती मत बनो। मैं जा रही हूँ, मैं स्कूल को डिसमिस करती हूँ जिसने किशन को डिसमिस किया है। गुड बाय। किशन, एक मिनट किशन, मेरी वजह से तुम्हें स्कूल से डिसमिस किया गया, मुझे माफ कर दो। किशन प्लीज मुझे माफ कर दो, आई एम वेरी सॉरी। I love you।
लिखा इज्जतदार इंसान बनाना चाहती हूँ और तू तू स्कूल से ही निकाल दिया गया। इसमें गलती किशन की नहीं मेरी है। ये बात तुझे अपने माँ के सामने कहते हुए शर्म नहीं आती? ये बेशर्मी नहीं है माँ, दोस्ती का तोहफा था जो राधा ने मुझे दिया। वो अमीर घराने की लड़की है और तू, तेरा उसका क्या मेल? प्यार के तराजू में भावनाएं तोली जा सकती है, सिक्के नहीं। ये बात सुनकर तेरे डैडी तेरा और उसका दोनों का गला घोंट देंगे। मैं उसके बाप से नहीं डरता। अगर राधा मुझसे शादी करना चाहेगी तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक सकती। ये मत भूल कि गरीबी के साथ साथ वो एक ऐसी नाजायज औलाद है जिसे अपने बाप का नाम तक मालूम नहीं। और मैं इसलिए जायज औलाद कहला रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे बाप का नाम मालूम है। मुझ में और उसमें फर्क ही क्या है? उसकी माँ जो बिना अपने पति के नाम के इज्जत के साथ उसे पाल रही है, और मेरी माँ जिसने शादी से पहले मुझे जन्म दिया, पार्वती देवी के सदके में इस घर के टुकड़े तोड़ रही है। राधा, सच्चाई बड़ी कड़वी लेकिन अटल होती है माँ, और मैंने इस सच्चाई का कड़वा घुट पी लिया है, इसलिए मुझे इसे हटाने की कोशिश मत करो। ओम जय गजानन गणपति नमः। ओम जय गजानन गणपति नमः। किसके नाम की पूजा करवानी है लक्ष्मी बहन? मेरे बेटे किशन के नाम। अच्छा, तो ये हैं किशन की माता जी। आपको किसके नाम की पूजा करवानी है? किशन के नाम की। तो ये है राधा। हे भगवान, हम गरीबों के भाग्य में झोपड़ों में रहना, रुखी सुखी खाना ही लिखा होता है। अमीरों का घर हम लोगों के लिए एक ऐसा मंदिर है जिसे हम दूर से देख तो सकते हैं लेकिन उसकी पूजा करने का सपना भी नहीं देख सकते। लेकिन लेकिन मेरे बेटे ने अब बड़े बड़े सपने देखने शुरू कर दिए हैं। तू ही उसके मन को बदल सकता है भगवान। अगर इनकी समझ के हिसाब से अमीरों का घर मंदिर हो जाए तो वहां के रहने वाले भगवान बन जाए जिनकी पूजा होने लगे। अमीरों के महल में भी रहने वाले इंसान होते हैं जिनकी वही ख्वाहिश वही तमन्नाएं होती है जो गरीबों की होती है भगवान। मैं नहीं चाहती कि किशन मेरे घर आ जाए, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि किशन के झोपड़े में मुझे रहने की जगह मिल जाए। जरूरी नहीं हर मुसाफिर को उसकी मंजिल मिल जाए। प्यार का सफर जिंदगी में हर इंसान एक बार करता है। प्यार करने वाले फूल की तरह होते हैं, उन्हें महकते रहना चाहिए, उन्हें नोचना नहीं चाहिए। अगर हर फूल भगवान के मंदिर में ही चढ़ाया जाता तो मैं ये बात मान लेती, मगर कुछ फूल मिट्टी में मिल जाने के लिए होते हैं। डर मुझे इसी बात का है। इस डर के लिए किसी के दिल से किसी की यादों को तो नहीं निकाला जा सकता। हो सकता है तुम्हारा आशीर्वाद हमारे प्यार को पूजा में रखने वाला फूल बना दे, और अगर नहीं बना सका तो मैं मिट्टी में मिल जाने वाला फूल बनना पसंद करूंगी। ये लो, ये लो लक्ष्मी बहन। ये क्या पुजारी जी, आपने मेरी थाली उसे दे दी और उसकी मुझे? कोई बात नहीं, दोनों ने पूजा किशन के नाम की ही करवाई है। जो भी हो, भगवान की कृपा से अच्छा ही होगा। अब सब कुछ अच्छा ही होगा। अरे भाई दौलत राम, बैठे बैठे बहुत देर हो गई, कहाँ गया तुम्हारा भांजा और वसीयतनामा?
बस वो आता ही होगा। माँ माँ आ गया। अरे भांजे कहाँ रह गया था तू, इतनी देर से लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। मामा आपने तो बोला था 10 सुअर आने वाले हैं, यहाँ तो 6 सुअर है। तुमने फिर सुअर बोला। मामा 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 माफ करना राम बोरसी जी, मैंने आपसे कर्जा लिया, जो कुछ मेरे पास था वो सब खर्च कर दिया वसीयत के लिए, थोड़ा धीरज से काम लेना मेरी खातिर। भांजी निकाल मेरी स्वर्गवासी बहन का वसीयतनामा निकाल। अभी निकालता हूँ मामा जी, बाजू हटो। मैं पुष्पावती, मेरी माँ का नाम। अपने होश व हवास में ये वसीयत अपने भाई दौलतराम के लिए कर रही हूँ, तालियां। मेरे मरने के बाद मेरे दो बंगले और दो बाग मेरे भाई दौलतराम को दिए जाए, तालियां। कोई बजाता ही नहीं। जिसके बदले भाई दौलतराम से मेरी विनती है कि मेरे बेटे चंपक को अपनी निगरानी में अपने घर रखे और उसका पालन पोषण करे, बड़ी तालियां। भाइयों आप लोगों ने वसीयत सुनी, अब मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ चलें और जो बंगले और बाग मुझे मिले हैं वो देखें और उन्हें बेचने के लिए मेरी मदद करें। हम तैयार हैं, अभी कहो तो चले चलते हैं। चलिए, देर करने से क्या फायदा। अरे रुको 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 रुको, क्या हुआ? इतनी भी क्या जल्दी है मामा? क्यों? बंगले और बाग देखने के लिए गाँव जाने की क्या जरूरत है? क्यों? क्योंकि दो बंगले और दो बाग मैं अपने साथ लाया हूँ। क्या तू बंगले और बाग अपने साथ लाया है? हाँ अभी दिखाता हूँ। ये दो बाग हैं और ये दो बंगले हैं। हाय राम, अब तो कुछ हो ना मामा जी। सुअर के बच्चे, इन पत्नियों को तेरे यहाँ बंगले कहते हैं। मामा जी टूट जाएंगे। प्यासों को बाग, बाग टूट जाएंगे। मुझे धोखा दिया तुमने, मुझे बेवकूफ बनाया। मेरी बात सुनो हरामजादे, मैं सर तोड़ूंगा, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, मैं तेरे चट्टी मारूंगा। ले लो मामा, पैर मत करो मामा, पेड़ से पैर मत करो। मामी बचाओ, मामी बचाओ, बचाओ। अच्छा तो ये है मेरे होने वाले पति का घर, कोई बात नहीं एडजस्ट कर लूंगी। तुम और यहाँ? कमाल है यार, मैं तुमसे मिलने आई हूँ, तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? अरे मेरी नानी। नानी कहाँ है वो बुढ़िया? बुढ़िया तुम यहाँ क्यों चली आई? रिलैक्स यार किशन, तुम आओ मेरे साथ। अरे किशन मैं यहाँ हूँ नानी माँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही खड़ा हूँ। तू खड़ा रहे या बैठ, घर से बाहर पैर रखा तो टांगे तोड़ दूंगी, समझा? बाजू हो जा, मुझे नहाने जाना है, साड़ी लेने दे मुझे। साड़ी मैं उठा देता हूँ नानी माँ। क्यों, मेरे हाथ के टूट गए हैं? कमाल है, मैं तुम्हारा काम करना चाहता हूँ, तुम्हें साड़ी चाहिए ना, अभी देता हूँ। तुम यही ठहरना। साड़ी बक्से में है। बक्से में? अभी निकाल देता हूँ। क्या हुआ, निकालना? निकालता हूँ। अरे निकालना जल्दी। निकाल तो रहा हूँ नानी माँ। ये रही साड़ी। राधा नानी माँ गई, बाहर आओ। राधा 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 राधा, हे भगवान ये तो बेहोश हो गई। क्यों यार डर गए? जी मैं नहीं डरा वरा, अगर तुम इस तरह मर भी जाओ तो मुझे क्या? ए मिस्टर मैं अकेली नहीं मरने वाली, प्यार किया है तुमसे, जीऊंगी तो तुम्हारे साथ, मरूंगी तो तुम्हारे साथ, समझे? जानते हो आज
आज मैं तुम्हारे घर क्यों आई हूँ? आज मेरा जन्मदिन है, बहुत से लोग आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना जन्मदिन अपने होने वाले पति के साथ मनाऊं और तुम्हें शाम को मेरे घर आना है। अच्छा बाबा, मैं आऊंगा, तुम जाओ। जा रही हूँ यार, टाइम पर आ जाना, मैं केक तुम्हारे आने पर ही काटूंगी। बाय बाय। ये ताजमहल कितने का है? 500 रुपए का। मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए हैं। तुम लोगों के पास कितने रुपए हैं? 50। मेरे पास सिर्फ 30 रुपए हैं। मेरे पास 20 रुपए। बाकी के 300 रुपए कैसे मिलेंगे? गुरु, वो जो सामने लड़का आ रहा है ना, वही है ना जिसने उस दिन हमारी पिटाई की थी। आज हम इसकी पिटाई करेंगे। अरे हीरो, कहाँ जा रहा है इतनी तेजी से? ए, ये क्या है? लगता है किसी माशूका के लिए तोहफा लेके जा रहा है। मुझे छोड़ दो, मुझे जल्दी है, जाने दो। जाने दूं? जा जा। काटो बेटे। राधा, राधा। कौन हो भाई? मैं किशन हूँ, मुझे राधा ने जन्मदिन पर बुलाया है। राधा बिटिया इस वक्त नहीं मिल सकती। नहीं मिल सकती? जाओ, चले जाओ। राधा, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि मैं समझ गई तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैं? अगर तुम मुझे दुखी देकर खुश होना चाहते हो तो कोई बात नहीं, देखते रहो, मैं जा रही हूँ। I hate you।
ये नहीं पूछोगी कि मैं कल समय पर क्यों नहीं पहुंचा? क्यों नहीं पहुंचे? मुझे तुम्हारे गुंडों ने रास्ते में रोक लिया, मुझसे झगड़ा किया। ये देखो तुम्हारा तोहफा जो मैं कल रात तुम्हारे घर लाया था, मगर तुम्हारे चौकीदार ने तुमसे मिलने नहीं दिया। तुम सच कह रहे हो? राधा की सौगंध। किशन देवी है, प्रेम की ज्योत जलाती है।
पीछे मैं तेरे पीछे सांझ सवेरे अखियां मीचे अखियां मीचे जीवन में हो शेर 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 भागो शेर आ गया भागो भागो शेर शेर तुमने सचमुच शेर देखा है क्या? किधर है वो? देखो। अरे वो तो बिल्ली है, शेर नहीं है। क्यों मजाक करते हो, हमारे गांव में तो इसी को ही शेर कहते हैं। तेरे गांव की तो ऐसी की तैसी। ये गांव वाले हमसे बहुत प्यार करते हैं। दिखता नहीं क्या? माफ करना माफ करना, गांव वालों ने मेरे साथ बहुत बहुत ठंडा है। तुम चंपक हो ना? हाँ। मोटे के घर में रहते हो? हाँ। तुम ही उल्टा बोलते हो ना? मैं कहाँ उल्टा बोलता हूँ, मैं तो सीधा ही बोलता हूँ, गांव वाले उल्टा समझते हैं। मामा ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं बेसहारा हो गया हूँ, इसलिए नौकरी मांगने के लिए ठेकेदार साहब के पास जा रहा था। गांव वालों ने मुझसे बहुत प्यार किया। मैं राधा हूँ, ठेकेदार साहब की बेटी। मैं तुम्हें नौकरी दूंगी। चलो बैठो अंदर, हम इस टांगे से जाएंगे। टांगे में? आपका टांगा बहुत अच्छा है, ये घोड़ा नहीं घोड़ी है। अरे उधर हरा साहब, इधर दे दे। हरा साहब? हरा साहब वो क्या उधर पड़ा है? ओ हरा साहब, अब इधर आओ, कीड़ों को भी काटो। कीड़ा? वो क्या? अरे क्या कीड़ा, अच्छा जल्दी जल्दी काटो, बाद में केकड़े को भी काटना है। किधर है? एक है केकड़ा। अच्छा जल्दी जल्दी काटो। और वो झिंगूर को भी काटो। वो किधर है? अरे एक है झिंगूर, झिंगूर है ना। अच्छा। ये सब जीव जंतु को मिलाकर साथ में पकाऊंगा और मैडम को खिलाऊंगा। और कितनी दूर जाना है? एक घंटा हो गया चलते चलते। बस अब हम पहुंच गए। अच्छा इसे ही प्रेमियों का मंदिर कहते हैं? हाँ यही है। वो देखो, वो अग्निकुंड देख रही हो? उस अग्निकुंड पर चलकर जो भी प्रार्थना करते हैं माँ उसे पूरा करती है। इस जगह खून से जो प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के नाम को लिखते हैं, उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। मैं भगवान पर विश्वास करती हूँ, लेकिन इतना अंधविश्वास भी नहीं कि बिना वजह अपना खून बहा दूं। मुझे अपने प्यार पर भरोसा है, दुनिया की कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया है एक शिकारी के घर में। रामू! जी साहब, जी साहब, साहब। हम चंद रोज के लिए घर से बाहर क्या गए कि हमारे घर में ये गंदगी घुस आई? निकाल के फेंक दो इस घोंसले को बाहर। लेकिन सरकार, चिड़िया के घर में घोंसला बनाना तो शुभ होता है। बकवास बंद करो। आज यहाँ चिड़िया ने घोंसला बनाया है, कल दीमक की सफेद चींटियां आ जाएंगी और फिर उन्हें खाने के लिए सांप घर में घुस आएंगे। गंदगी को घर में आने से पहले ही उसे रोक देना चाहिए। निकाल दो इसे। शारदा, शारदा। आ गए आप? हाँ आ गया हूं। सब ठीक है ना? सब ठीक ही तो है। सब ठीक है जी।
ठीक ही तो है। ठेकेदार गजेंद्र सिंह की लड़की का नाम एक हरामजादे नाजायज लड़के के नाम के साथ जोड़ा जा रहा है और तुम कहती हो सब ठीक है। ओ माँ, तुम बोल क्यों नहीं देती? हाँ डैडी, छोटी सी जगह में रहने में यही खराबी है। अगर किसी बड़े आदमी की बेटी किसी से भी हंसकर बात कर ले तो लोग बदनामी शुरू कर देते हैं। लेकिन वो कहावत है ना कि मारने वाले का हाथ पकड़ा जा सकता है, बोलने वाले की जुबान बंद नहीं की जा सकती। जब आपके नाम के साथ किसी को रखेल रखने की बात कही जा सकती है तो मैं तो आपकी बेटी हूँ, कोई कुछ भी कह सकता है। आपको ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए डैडी। इतनी दूर से थके हुए आए हैं, आप आराम कीजिए। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? ऐ बुढ़िया, कहाँ है तेरा किशन? मुझे नहीं मालूम। माँ, कौन है तुम लोग? किशन कहाँ है? माँ, नानी, नानी माँ, नानी माँ, नानी माँ, 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 पकड़ लो हरामजादे को। बछड़े को ढूंढती हुई पीछे पीछे पहुंची गई। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मेहरबानी करके इसे छोड़ दीजिए। इसे छोड़ दूँ जिसकी वजह से 40 गांव में मेरी बदनामी हो रही है? मेरी तरफ आंख उठाकर देखने की किसी की हिम्मत नहीं होती और इस हरामजादे ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। मैं इसका खून पी जाऊंगा। नहीं डैडी, नहीं, अगर आपने इसे नहीं छोड़ा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैंने कहा ना कि तुम अंदर जाओ। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, पहले आप इसे छोड़ दीजिए। भगवान के लिए मेरे बेटे को छोड़ दो ठेकेदार साहब, ये मुशपला का एक ही तो सहारा है। इस बार तो तेरी ममता और अपनी बेटी की इल्तजा के आगे इसे माफ करता हूँ, लेकिन दोबारा इसके होंठों पर राधा का नाम आया तो दुनिया में इसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। ले जाओ इसे, चल अंदर, चल। शारदा, मेरी इजाजत के बिना अगर ये घर से बाहर निकली तो खाल खींच लूंगा। चुप हो जा बेटी। राधा, 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 राधा बेटी रुक जाओ, राधा, राधा, दरवाजा खोल। राधा, ये
क्या पागलपन है बेटी, तूने ये नहीं सोचा तेरी इस हरकत से तेरी माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी। तुम्हें अपने दिल की परवाह है माँ, उस माँ के बारे में सोचो जिसके इकलौते बेटे को उसकी आंखों के सामने नोच डाला गया। तुम किशन कैसा है, तुम क्यों आई हो यहाँ पर, चली जाओ यहाँ से। क्यों मेरे बेटे की जान की दुश्मन बन रही हो तुम, तुम्हारा बाप इसे मार डालेगा, तुम चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। इस जगह खून से जो प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के नाम को लिखते हैं उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। किशन को जल्दी अच्छा कर दे। उस हराम की औलाद का नाम अपने खून से लिखकर तुमने हमारे खानदान के खून को गाली दी है। उसके लिए कोई भी गंदा शब्द निकालने से पहले यह मत भूलिए कि मैं क्या हूं। यह सच है कि तुम हमारी नाजायज औलाद हो, लेकिन 18 साल हमारे नाम के साए में तुम्हारी परवरिश करके हम उस दाग को तुम्हारे नाम पर से मिटा चुके हैं। तुम्हारी जिंदगी के जिम्मेदार हम हैं, हमारी मर्जी के बगैर तुम्हारी सांसें भी इस घर से बाहर नहीं जाएंगी। एक ताला सामने के दरवाजे पर लगा दिया जाएगा और दूसरा ताला पीछे के दरवाजे पर। एक मिनट डैडी, आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आपने 18 साल तक मेरी परवरिश की इसलिए मैं आपकी गुलाम बन जाऊं, लेकिन मैं अपनी भावनाओं का खून करके नहीं जी सकती। अगर आप समझते हैं कि आप अपनी बेटी को ताले में बंद करके रख सकते हैं तो ये आपकी भूल है। दो ताले तो क्या, हजार ताले भी मुझे रोक नहीं सकते। बकवास बंद करो। शारदा, कल राधा को तैयार रखना, हम ठाकुर महेंद्र सिंह को बुला रहे हैं, उनके बेटे के साथ राधा की शादी कर दी जाएगी। नहीं मां, ये झंडे किस लिए लगा रखे हैं? ये आपको रोकने के लिए लगाए गए हैं ठाकुर साहब। क्यों? ताकि आप दो प्यार करने वालों की बर्बादी का कारण न बन जाएं। किसकी बात कर रहे हो तुम? हमारे दोस्त किशन और ठेकेदार साहब की बेटी राधा की। ये पक्का है ठाकुर साहब? झूठ बोलता है ये। हम सच कह रहे हैं ठाकुर साहब, किशन और राधा एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। हम सब लोग उन दोनों का मिलन चाहते हैं, इसलिए आपको रोकने के लिए आए हैं। तुम सब सालों की तो नहीं रामो, एक लड़की जो पहले से ही किसी लड़के से प्यार करती है वो दूसरे लड़के से शादी करके खुश नहीं रह सकती। हम अपने बेटे का रिश्ता ऐसी लड़की से कभी नहीं करेंगे। चलो। उन हरामजादों की ये मजाल, हम किशन का साथ देने वाले इंसान तो इंसान, पेड़ पौधों तक को जड़ से उखाड़ फेंक देंगे। ठेकेदार साहब, मान सिंह तुम? हाँ सरकार, मान सिंह आपका वफादार नौकर, जेल से छूटकर आज ही आया हूं। मेरा रास्ता क्यों रोका आपने? जो जमीन तुम खरीदने के लिए जा रहे हो वो दरअसल मैं खरीदना चाहता हूं।
तुम हमेशा जानबूझकर मेरे रास्ते में आते रहे हो। इस बार मैं तुम्हारे रास्ते में आया हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा मुकाबला करने की जरूरत करो। वो दिन गए गजेंद्र सिंह, जब तुम जैसे ठेकेदार अपनी मनमानी किया करते थे। आज सरकार है, कानून है। गजेंद्र सिंह अपनी सरकार खुद है और वो अपने कानून भी खुद ही बनाता है। गांव वाले आ रहे हैं, अब क्या करें? मान सिंह, ये खून मैंने नहीं तुमने किया है। ये लो। जो हुक्म सरकार। घबराओ नहीं, कोई ना कोई चक्कर चलाकर मैं तुम्हें बचा लूंगा। मान सिंह, हमने तुम्हें बचाने की बहुत कोशिश की, मगर मैं जानता हूं सरकार, वकील साहब ने मुझे सब कुछ बताया था। दुर्जन सिंह के घर वालों की पहुंच बहुत दूर तक थी, बस मेरे भाग्य में सजा भुगतनी थी, मैंने भुगत ली। सरकार, आपके हाथ में बंदूक? नहीं नहीं सरकार, ये बंदूक इस वफादार के हाथ में होनी चाहिए। दीजिए। अब बताइए सरकार, आपने इस बंदूक को किसके लिए उठाया? एक लड़का है किशन, वो हराम की औलाद है। उसने मेरी बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है और मेरे खानदान की शान पर अपनी गरीबी का कलंक लगाना चाहता है। मिटा दिया जाएगा इस कलंक को सरकार, मिटा दिया जाएगा। किशन किधर है? नहीं है। नहीं है? आओ मेरे साथ। ये ठेकेदार साहब की पहली पत्नी का घर है, क्या यहाँ की भी? हर जगह की तलाशी ली जाएगी। चलो चलो, जल्दी तलाश करो, जाओ। गजेंद्र सिंह के आदमियों की ये मजाल कि वो मेरे घर में दाखिल हो और वो भी मेरी इजाजत के बगैर? माफ करना बहन साहब, हम किशन और उसकी माँ को ढूंढ रहे हैं। यहाँ? जी। हरगिज नहीं। ठीक है जी, चलो। लक्ष्मी, किशन, अब तुम दोनों बाहर आ सकते हो। वो लोग चले गए। राधा, राधा बेटी। किशन, मुझे चंपक ने बताया कि राधा ने जहर खा लिया है। क्या? किशन, कहाँ जा रहे हो तुम? राधा को देखने। सब्र से काम ले किशन, ठेकेदार के आदमी तुझे शिकारी कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं, वो तुझे देखते ही गोली मार देंगे। मारने दो मुझे गोली, मुझे किसी की परवाह नहीं। अगर राधा को कुछ हो गया तो मैं सारे जमाने को आग लगा दूंगा। क्या हाल है इसका? अब तक होश में क्यों नहीं आई? जहर मैंने निकाल दिया है, अब होश में लाना भगवान के हाथ में है। हे माँ, मैं अग्निकुंड पर चलकर प्रार्थना करने आऊंगा, मेरी राधा को ठीक कर दो।
श्रोताओं वाली तू ही दुर्गा तू ही काली भवानी तू शक्ति का अवतार माँ का ध्यान धरे माँ उसके संकट दूर करे जो द्वार आए माता के माँ उसकी खाली झोली भरे मैं बहुत खुश हूं मां अंबे की कृपा से तुम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता आओ हम मां का आशीर्वाद लें ये लो किशन ये मंगलसूत्र राधा को पहना दो खबरदार
रिश्तेदार जो इनकी शादी करवाने की कोशिश की तो जानती हो इस हरामजादे की औकात क्या है? प्यार करने वाले औकात से नहीं अपने प्यार से जाने जाते हैं। तुम औकात की बात कर रहे हो? अपने गिरेवा में झांक कर देखो तुम्हारी अपनी औकात क्या है। मैं अगर राधा की माँ को अपने घर में पनाह न देती तो तुम्हारी और राधा की औकात क्या होती? मैं अगर तुम्हारे पाप को इज्जत दिला सकती हूँ तो इन दोनों के प्रेम को कामयाब कर सकती हूँ। किशन ये लो और इसे राधा को पहना दो। गुफा से निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। तुम दोनों चुपचाप बाहर आ जाओ। राधा मैं 1 से 5 तक गिनूंगा। अगर इस बीच तुम किशन को लेकर बाहर नहीं आई तो मैं अपने आदमियों का अंदर भेजूंगा जो किशन को तुम्हारी आंखों के सामने जलाकर राख कर देंगे। Punch! 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 Punch!
बिना कपड़ों के उसी तरह हूँ जिस तरह मैंने इस संसार में जन्म लिया था। आपके जालिम हाथों से किशन को बचाने का सिर्फ यही रास्ता था, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। अगर इसके बावजूद भी आप इसे मार डालना चाहते हैं तो भेजिए अपने आदमियों को, मार डालिए किशन को। लेकिन एक बात याद रखिए, किशन को मारने से पहले उन्हें मेरा बदन जो बिना कपड़ों के है उसे देखना होगा। सरकार। मानसिंह, तुम बहुत सही वक्त पर आए हो। जब एक बेशर्म कवारी बेटी अपने कपड़े उतार कर एक गैर मर्द के सामने खड़ी हो जाए तो उस बेहया बेटी के साथ एक इज्जतदार बाप का रिश्ता खत्म हो जाता है। ये लो बंदूक और खत्म कर दो इन दोनों को। कोई भी आगे बढ़ा तो उसे भून कर रख दूंगा। मानसिंह, तुम? हाँ ठेकेदार, मैं तुम्हारा वफादार मानसिंह। गजेंद्र सिंह किशन नाजायज औलाद नहीं, मानसिंह नाम है उसके बाप का। जिस दिन पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया उस दिन मेरी प्रेमिका लक्ष्मी मंदिर में मेरा इंतजार करती रही, ये सोचकर कि मैं आऊंगा और उसके गले में मंगलसूत्र डालूंगा, लेकिन उसके सपने चूर हो गए। जेल से छूटने के बाद तुमने मुझे हुक्म दिया कि मासूम किशन को मार डालो, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि किशन मेरा ही बेटा है। और तुम मुझे जेल से छुड़ाने का वादा भूलते रहे। अब मेरा और तुम्हारा सिर्फ एक ही रिश्ता है, इंतकाम का रिश्ता। नमक हराम। मेरे बेटे जी। बेटा। पिताजी, जमाने वालों ने माँ को आवारा बचलन न जाने क्या क्या कहा, सिर्फ माँ के गले में एक मंगलसूत्र ना होने के कारण। ये माँ को पहना दीजिए ताकि दुनिया वाले माँ को आपकी पत्नी समझने लगे। मुझे गाना गाना है। मामा है? ये नाला कहाँ तक जाता है? ये दो बाग हैं और ये दो बंगले हैं।